नहीं सर, क्या है ये फाउंडेशन? सिटीजंस फाउंडेशन जो है वो बेसिकली स्कूल्स चलाते हैं मुल्क के दुश्वार गुजार और लो इनकम कम्युनिटीज़ के अंदर, अच्छा जहाँ पे या स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं है या वहाँ पे जो है वो गैर फाल स्कूल गवर्नमेंट के जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। तो उन इलाकों में हम अपना स्कूल स्कूल जो है वो कम्युनिटी के कल्ब में जो है वो बनाते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो बहुत दूर चल के जो है वो ना जाना पड़े। रिसर्च कहती है कि 20 से 25% जो है वो इनरोलमेंट गिर जाती है अगर स्कूल कम्युनिटी से जो है वो दूर होता है। एक अच्छा, तो आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं हमें ये तकरीबन अब फाउंडेशन? 22 साल हो गए हैं बाईस लगभग। साल हो गए। जी और स्कूल, यानी स्कूल आप प्राइमरी स्कूल सेकेंड, क्या मैं कैसे? आपको अगर इजाज़त दें तो मॉडल जी थोड़ा सा बता जी देता हूँ। ये स्कूल जो है, एक तो सबसे पहले कि ये हमने कहा कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं होगा। ठीक इस है स्कूल को जो है ये प्रॉपर, जैसे प्राइवेट स्कूल जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं वो ठीक है तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएंगी उसके अंदर। इसमें खेल के मैदान से लेके लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह से लेके तमाम लाइब्रेरी और क्या कहते हैं जो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जो हैं वो उसके अंदर कराई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बच्चा स्कूल में इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता। दो के हम 10 रुपये या 20 रुपये चार्ज करते हैं, और उसकी एक मेजर वजह ये है कि ताकि जो इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो और उसको लगे कि हाँ मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। और हमने से ये देखा कि इससे कितने कमिटमेंट भी, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास हमारे इस वक्त 2,40,000 2,04,000 बच्चे जो हैं इस वक्त आपके स्कूलों में चौदह सौ हैं? इकतालीस स्कूलों में जो हमारे पढ़ अच्छा, रहे हैं। और क्लासेस क्या हैं उनकी बच्चों की? केजी से लेके मैट्रिक तक हमारा है, अच्छा, और अब हमने इंटरमीडिएट भी एज ए पायलट शुरू किया है अभी रिसेंटली। और ज़्यादातर स्कूल कहाँ पे हैं, यानी हमारे शहरों में हैं, देही इलाकों में हैं? चारों सूबों में, शहरों के अंदर जो है कच्ची आबादियों में है, वरना गांव गोठों में। अगर आप एक्सट्रीम साउथ चले जाएं तो केटी बंदर से लेके नॉर्थ में बटल बटग्राम। इतनी गुर्बत है जी तो वालिदैन तो चाहते होंगे कि बच्चे काम करें, ऐसा भी होता है ना, स्कूल ना जाएं, कुछ जी कमा के लाएं, 5 रुपए घर पे, 10 रुपए घर पे। ये शायद साहब 20-25 साल पहले डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सप्लाई इशू रह गया है, डिमांड इशू नहीं है। हम जिन अच्छा जगहों पे जिन कम्युनिटीज़ में स्कूल्स बनाते हैं लाइनें लगी हुई थी, बस बाज़ दफ़ा कैपेसिटी नहीं होती तो हमें ना करना पड़ता है कि जी अब जगह नहीं है हमारे पास स्कूल के अंदर। अच्छा तो यानी आप मिसाल के तौर पे, आपके एक स्कूल है, उस स्कूल में कितने बच्चे होंगे क्लास में? आप 30 बच्चों की तीस कैपेसिटी होती बच्चों है, की क्लास तीस है, बच्चों की होती और है एक टीचर होंगे उनके, जी या मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ होंगे, सब्जेक्ट से मुख्तलिफ तो टीचर्स। उनकी फीस आप दे रहे हैं जी बच्चों की, सैलरीज जो, और सैलरीज भी जी, आप दे रहे हैं टीचर्स की? हमें इस तरह से होता है कि हमें एवरेज जो बच्चों से 100-125 रुपये मिलते हैं, लेकिन जी हमारी टोटल कॉस्ट 1400 रुपये आती है एक बच्चे पे एक एक बच्चे महीने पे महीने में। एक महीने में। अच्छा तो हम जो है वो जो गुजारिश ये करते हैं कि जी 1250 रुपये में आप एक बच्चा जो है वो स्कूल में रख सकते हैं, सिर्फ 1250 रुपये में। और अच्छा अगर उसकी आप कंटिन्यूशन जो है वो उसका पैसे आम देते रहें। आम स्कूलों की फीस क्या है आजकल? तो मेरे ख्याल से फीसों का भी तो हाल खराब हुआ। जी बताइएगा आप जरा भाई, कितने? 2,500 से 3,000 रुपये एक बच्चे की फीस, बिल्कुल यानी प्राइमरी। और स्कूल भी आम सा, बिल्कुल मोहल्ले का स्कूल, 2,500 से 3,000 रुपये महीना, किताबें अलग हैं, ढाई से यहाँ तीन हजार किताबों के भी दिए अच्छा जाते हैं बच्चे। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं या नहीं? बंद, तकरीबन बंद हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं जा रहे, बस लोग तरजीह देते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए बच्चों को, थोड़ी तालीम बेहतर हो बच्चों की, वहाँ अच्छा टीचर्स हाजिर नहीं होते गवर्नमेंट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन फिर गवर्नमेंट स्कूलों में इसमें मैं एक कब्जा चीज माफिया ने ऐड कब्जा किया करूं कि वहाँ पे। हम लोग अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है हमने अभी कोई 270 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट भी किए हैं। अभी हम उनको पढ़ भी रहे हैं, ज़रा समझ भी रहे हैं, और अब इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि और मज़ीद गवर्नमेंट के स्कूल्स भी जो हैं वो लिए जाएं। तो हमने वहाँ पे इनरोलमेंट जो है वो 200% बढ़ाई है, और उसके अलावा क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर की है उन स्कूलों में। अच्छा, ये जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं यानी आप उनको, ये मैट्रिक वाले सिस्टम में है, ये ए लेवल ओ लेवल? ये मैट्रिक का है, मैट्रिक वाले मैट्रिक सिस्टम में। सिस्टम।
اور آپ کی کوشش ہے کہ وہ بنیادی تعلیم حاصل کر کے کسی طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں؟ ایبسلیوٹلی. اب ہمارے بچے جو ہیں, اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو آئی بی اے میں, لمز میں, این اے ڈی میں, ڈو میڈیکل کالجز میں اور مختلف نوکریوں کے اندر, پولیس میں, فوج کے اندر آپ کو ملیں گے. اب جو آہستہ آہستہ بچے جو کئی سال پہلے جنہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا, ایکچولی شاہد صاحب جو تعلیم کا جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے وہ بہت لمبا ہے. میں یا آپ جو ہیں وہ 3 سال کی تعلیم کے بعد یا 5 سال کی تعلیم کے بعد یہاں نہیں پہنچے, 10 سال کی تعلیم کے بعد یہاں نہیں پہنچے, کم سے کم 14 سے 15 سال کی تعلیم ہینڈ اینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے. تو آدمی کسی نہ کسی آج کل تعلیم جو ہے وہ تھوڑی سی میٹرک کس عمر میں کر رہے ہیں بچے آج کل کے اوسطن؟ سوری, کس عمر میں میٹرک کر رہے ہیں بچے؟ میٹرک 15-16 سال کی عمر میں کر لیتے ہیں, 15-16 سال کی عمر میں, اور انٹر کر لیتے ہیں وہ 18 سال کی عمر میں, 17 اور اچھا, اور اس کے بعد ایم اے کر لیں گے وہ, گریجویشن کرتے ہیں پھر ماسٹرز وغیرہ, یعنی ایک ایم اے جو ہے وہ بچہ کر لے گا کس عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں کرے گا. میں 21 سال کی عمر میں ڈاکٹر پتہ نہیں کیسے بن گیا تھا. نہیں, میں واقعی میں 21 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن گیا تھا. مجھے اس پہ ذرا ریسرچ کرنی پڑے گی. آلویز آؤٹلائرز ہوتے ہیں ہمیشہ وہ. ہاں اچھا, میں چھوٹا سا اپنا بھی ایک واقعہ بتاؤں, وہ یہ ہوا, اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میری والد, میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا. اب سوچیں ایسا بھی وقت تھا کہ میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا. اچھا, تو میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا, تو ہم لوگ ایک اور جگہ پہ شفٹ ہو گئے, تو میری والدہ وہاں مجھے لے گئیں اسکول میں, اور انہوں نے کہا کہ کلاس 2 کا امتحان نہیں دیا ہو, تو انہوں نے کہا جی اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور جو بھی کلاس اس کی ہوگی تو اس کو کلاس میں ایڈمٹ کر لیں گے. تو میں اتنا چھوٹا سا, کلاس 2 میں جو سائز ہوتا ہے بچوں کا, تو میں ٹیسٹ دیا, تو وہ جو ٹیچر تھے انہوں نے آ کے کہا کہ اس کو ہم کلاس 5 میں داخل کر رہے ہیں بچے. اچھا, اب وہ ایک ٹینشن پھیل گئی کہ یہ کیا, اچھا 5 میں داخل کرنے, انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا یہ سارا جو یاد تھا, تو وہ اس تکے میں کلاس 5 میں داخل ہو گیا. لیکن اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے, کیونکہ ایڈمٹ تو داخل تو ہو گیا, لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کلاس, چونکہ کلاس 4 نہیں پڑی درمیان میں, تو وہ پھر اس کو کرتے کرتے وہ میرے خیال سے کہیں جا کے میں 8ویں یا 9ویں کلاس تک میں اس کو سٹرگل, وہ گیپ ختم کر پایا جو بیچ میں رہ گیا تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ 13-13.5 سال کی عمر میں میں میٹرک کر گیا, اور اسی طرح سے کالج میں جلدی آ گیا. تو وہ لیکن ایوریج وہی ہے جو سب نے کہا, ایوریج وہی ہے کہ یعنی 21-22 سال کی عمر میں گریجویشن ہو جائے. جو یہ جو بہت سارے ادارے ہیں, مثال کے طور پہ آج بھی صبح بچوں سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی, زیادہ تر بچوں کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک یہ ریگولر عام سی تعلیم حاصل کریں, یعنی بی اے کر رہے ہیں, بی کام کر رہے ہیں, ایم اے کر, یا یہ کہ کوئی ایسا کام جس میں ہنر ہو, یعنی وہ کام اسپیشل, یعنی بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے تو یعنی میٹرک کے بعد وہ کچھ کام کرنے لگے. ہمارے اسکول میں جو ہے نا, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو نہ صرف نصاب کے اندر تربیت کی چیزیں ڈالی گئیں, بلکہ ایک ہمارا رہبر پروگرام کہلاتا ہے جو 7 سیٹرڈیز ہوتے ہیں, اس میں جتنے بھی ورکنگ اس میں لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بچوں کے ساتھ 7 ہفتے جو ہیں وہ گزارے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ مینٹورشپ رہبر پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ ایز مینٹورز آتے ہیں اور وہ بچوں کو جو ہے وہ ایک سوچ سے تقدیر کا ایک ماڈل ہے جو ہم اس کے اندر مائل اسٹونس کرتے ہیں, کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے, وہ حرکت جب آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور اس عادت کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ کردار پہچانا جاتا ہے, اور وہ کردار آپ کا جو ہے وہ آپ کی تقدیر بناتا ہے. اور اس میں یہ کہ میں مظلوم نہیں ہوں, میں خود مختار ہوں, میں اپنے فیصلے کر سکتا ہوں, اور اگر کوئی مسئلے آئیں گے تو میں ان سے لڑنا جانتا ہوں. تو وہ جو تربیت کا عنصر جو اس کے ساتھ بار بار انکلکیٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے وہ بچے کافی کانفیڈنٹ, اور چونکہ گلیوں کے نکلے ہوئے بچے ہوتے ہیں تو اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہوتے ہیں وہ بچے جو ہیں, تو اس ایریے میں ہمیں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ اسٹریٹ اسمارٹ بچے ہوتے ہیں,
तो आगे बहुत तेज़ी से जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो बहुत इंडिपेंडेंट बच्चे हो जाते हैं उस मकाम तक पहुँचने तक. वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एडवांटेज हमें जो है वो हासिल है TCF को. अच्छा, एक वक्फे के बाद मैं ज़रा मज़ीद बात करूँगा इस मौजू पे. और मेरा ख्याल है मेरी इस तरफ मैं नहीं आया है ना, इस हिस्से की तरफ मैं नहीं आया, तो मैं हाज़िर होता हूँ ज़रा एक सवाल के साथ उस तरफ आता हूँ. और आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके सारे कामों में. और बहुत मुश्किल काम है यकीनन, लेकिन फिर किसी ना किसी को तो करने होते हैं सारे काम. अल्लाह ताला बरकत दे और जो भी आपके फाउंडेशन का साथ देना चाहें यकीनन. जी बस मेरी एक से गुजारिश यही है कि 1250 में एक बच्चा जो है वो स्कूल में रखा जा सकता है. तो आप सब कई लोगों को पता नहीं होता कि तालीम पे जो है ज़कात लगती है, तो दिल खोल के अपनी ज़कात इस माह रमज़ान में जो है वो तालीम के लिए दें, ताकि ये सदक़ा जारिया है, ये बच्चे आगे इस काबिल हो जाते हैं कि आगे ज़कात दे रहे होते हैं. और ऐसा है, हमारे कई बच्चे अब इस काबिल हैं जो आगे ज़कात दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात. एक वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं. थैंक यू.